हेलो गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। गाइस, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे कि CCS यूनिवर्सिटी काफ़ी सारे बच्चों का रिजल्ट रोकने वाला है, और कुछ नहीं भी जानते होंगे तो कोई बात नहीं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि बच्चों का रिजल्ट क्यों रुकने वाला है, और साथ में ये भी पता चलेगा कि इसमें किसकी गलती है। वीडियो अच्छी लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए गाइज, अब हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइज, हर साल बीएड में काफ़ी सारे स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। सबसे पहले वो अपनी काउंसलिंग को अटेंड करते हैं, उसके बाद उन्हें कॉलेज अलॉट होता है, उसके बाद वो बच्चा उस अलॉटेड कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करता है। वहाँ पर एडमिशन लेने के उन्हें बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, उनमें से एक डॉक्यूमेंट होता है हमारा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट उन बच्चों को देना होता है जो या तो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से आए होते हैं, या फिर किसी दूसरे स्टेट से आए होते हैं, या फिर किसी बच्चे ने अपनी एजुकेशन में कोई गैप लिया है। जैसे उसने 2 साल पहले कोई एजुकेशन ली होगी, जैसे मान लो बीए उन्होंने 2 साल पहले की है और 2 साल के बाद गैप लेकर अब वो बीएड करना चाहते हैं, तो इन 3 प्रकार के बच्चों को क्या करना पड़ता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट कॉलेज में अपने सबमिट करना पड़ता है। अब बच्चों को तो पता नहीं होता कि स्टार्टिंग में उन्हें एडमिशन के टाइम पर ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है, इसलिए वो बनवाते नहीं है। तो कॉलेज उनको बोलता है कि आप बाद में सबमिट कर दीजिएगा, अभी एडमिशन ले लो। एडमिशन हो जाता है, बात आई गई हो जाती है, 2 साल ऐसे बीत जाते हैं, पता नहीं चलता कहाँ गए। कॉलेज उनको दोबारा सर्टिफिकेट के लिए नहीं टोकता, और बच्चे ये सोचते हैं कि कॉलेज ने तो टोका ही नहीं, इसलिए शायद ज़रूरी नहीं होगा, तो हम सबमिट नहीं करते हैं। गाइस, कॉलेज आपको इसलिए नहीं टोकता क्योंकि अगर आप अपना माइग्रेशन सबमिट करेंगे या नहीं करेंगे, इससे कॉलेज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम आपको होती है। आपकी मार्कशीट यूनिवर्सिटी रोक देती है, उसे वो डिटेंड वाली कैटेगरी में डाल देती है, और डिटेंड वाली कैटेगरी की जो मार्कशीट होती है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप उसे कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते। फिर आपको क्या करना पड़ता है, यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। यूनिवर्सिटी में अपना माइग्रेशन आप जब तक सबमिट नहीं कराते तब तक वो आपकी सही वाली जो मार्कशीट होती है उसे अपडेट नहीं करते हैं, इसलिए कॉलेज आपको बीच में कभी भी नहीं टोकता है, स्टार्टिंग में आपको एक बार बता देता है। और इसीलिए मैं गाइज आपको बोल रही हूँ कि आप स्टार्टिंग में ही अपना माइग्रेशन जो है वो सबमिट करा दीजिए, ताकि एक पूरे बंडल के साथ जब वो पूरे डॉक्यूमेंट जाते हैं तो यूनिवर्सिटी में वो कहीं गुम नहीं होते, उन्हें जहाँ पहुँचना चाहिए वो वहाँ पहुँच जाते हैं। अगर आप बीच में कभी एक डॉक्यूमेंट अपना कॉलेज सबमिट कराते हैं तो या तो कॉलेज उसे यूनिवर्सिटी पहुँचाता ही नहीं है, और अगर पहुँचा भी देता है तो वो एक डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी में इधर उधर जाकर गुम हो जाता है। माइग्रेशन का सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी में पहुंचना। चलिए अब बात कर लेते हैं उन 2 क्वेश्चन की जो मैंने स्टार्टिंग में बोले थे। पहला कि यूनिवर्सिटी काफ़ी सारे बच्चों का रिजल्ट क्यों रोकेगी। यूनिवर्सिटी ज़्यादा बच्चों का रिजल्ट इसलिए रोकेगी गाइस क्योंकि उनका माइग्रेशन सर्टिफिकेट अभी तक यूनिवर्सिटी पहुँचा नहीं है, ठीक है। तो जिन्होंने भी सबमिट नहीं किया है वो अभी जाइए यूनिवर्सिटी में अपना माइग्रेशन सबमिट कर दीजिए, ताकि वो अपडेट कर दे और आपकी मार्कशीट आराम से निकल जाए। और जिन्होंने सबमिट कर दिया था तो वो वेट कर ले, अगर उनकी मार्कशीट जो है वो क्लियर आ जाती है तो अच्छी बात है, और अगर उसमें डिटेंड आ जाता है तो जल्द से जल्द जाकर यूनिवर्सिटी में दोबारा अपना माइग्रेशन सबमिट कराकर अपनी मार्कशीट को अपडेट करा लें। अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की कि अब इसमें गलती किसकी है। इस डिटेंड वाली मार्कशीट आने में गलती स्टूडेंट और कॉलेज दोनों की है, दोनों को अपने अपने काम के लिए अवेयर रहना चाहिए, ठीक है गाइज। तो होप करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। चलिए गाइज, आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, बाकी कोई भी अपडेट होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।